ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। आज ये विद्यालय हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे विचारों का परिवर्तन करने की नॉलेज ही देता है। आप देखेंगे, हम तो अपने अनुभव सुनते हैं गांव में माताओं के, कि कैसे बाबा दिल में बैठ करके असंभव को भी संभव करता है। एक बार एक लड़की की शादी हुई तो अपने ससुराल गई। ऐसे तो उसने सोचा था कि बहुत सभी चाहते हैं हम अपने परिवार में खुशहाली से बीतें, अच्छे से रहें, लेकिन आप देख रहे हैं समय प्रति समय दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं, टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जब वो गई तो उसकी सास से बहुत झगड़ा होता था, बहुत कोशिश करती थी लेकिन सास बहुत बोलती थी। जब वो अपने मायके गई तो उसकी जो माँ थी वो इस विद्यालय के संपर्क में थी, आश्रम जाया करती थी। तो वो भी, क्योंकि वो टेंशन में बहुत रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, तो जब वो मायके गई तो मम्मी के साथ वहाँ आश्रम गई। तो वहाँ दी बहन ने पूछा कि तुम कैसी हो, तो उसने कहा दीदी हम बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन बहुत है, हमारी सास से बिल्कुल नहीं बनती। और आज का यही माहौल है, सभी अलग होते हैं, सभी चाहते हैं हम स्वतंत्र तरीके से जिए, लेकिन कहते नहीं जिसके ऊपर छाया नहीं होती वो भले मन से तो रहते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र, लेकिन हमको रास्ता दिखाने वाले भी बड़ों की छत्र छाया अगर होती है तो हम सेफ रहते। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं एक तुमको दवाई देती हूँ, जिस दवाई से तुम्हारी सास के साथ झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने एक दिया, जल बना के पानी बना के दिया और ये कहा कि तुम अपने मुंह में अंदर ही रखना, ये नीचे भी नहीं उतरे और बाहर भी ना जाए, मुंह के अंदर रखना। और शाम को उसको अंदर ले लेना। वो जब भी शाम को सारा दिन काम करती थी जैसे सास के साथ, सास बहुत बोलती थी, लेकिन जो पानी वो जब दवाई दी थी ना वो मुंह में बंद थी, उसको गुस्सा तो आता था लेकिन नहीं जवाब देती थी। 3-4 दिन ऐसे हो गए लेकिन वो सास बहुत बोली लेकिन वो बोली ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख भी सिर्फ तन से नहीं, तन का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, धन का भी सुख चाहिए और संबंधों का भी सुख चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम परेशान किससे हैं, किससे परेशान है, संबंधों से, और उन संबंधों से परेशान हैं जो संबंध बहुत नजदीक है, उनका
कह के परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा इस तन को तुम प्रभु के कार्य में लगाओ, उसके सहयोगी। अब हम तन तो नहीं लगा सकते, लेकिन धन, जैसे हम देखते हैं ना कि जब आज हर मनुष्य क्या चाहता है, जमा जरूर करता है, बैंक में जरूर डालता है, भले उसके पास नहीं है फिर भी वो बचा करके क्या करता है, बैंक में डालता है। क्यों बैंक में डालता है? कि वक्त पर काम आएगा। ऐसे ये ईश्वरीय बैंक है, अपना अगर हम कुछ न कुछ लगाते हैं, सहयोगी बनते हैं, आप अनुभव करेंगे जिस चीज की आपको कमी है वो आप देते जाइए, आपके जीवन में उस चीज की कमी खत्म हो जाएगी।